तुम देखना, घर बैठे ही सब कुछ हो जाएगा, बस दुआ करो जीनू मान जाए। परेशान तो असल में मैं जीनू की वजह से हूँ, उसकी मौजूदगी में बेशक कल निकाह कर देते। जी फरमाइए। आप? नहीं आप, आपकी तारीफ। जी मेरा नाम अहमर है। ओ अहमर, कितनी लकी है सबा, व्हाट अ डैशिंग पर्सनालिटी। जी सबा का क्या जिक्र है यहाँ पे? आप वही अहमर है ना सबा वाले, इसीलिए तो कह रही हूँ कितनी खुशनसीब है सबा। देखिए मैं हामिद से बात करने आया हूँ, आप प्लीज हामिद को बुला दीजिए। अब जरूर हामिद से मिल लीजिएगा। और आप जीनू की बात करने के लिए आए ना, लेकिन उससे पहले मेरे दिल का हाल तो सुन ले। खातून मेरा मतलब, मुझे आपके हाल दिल जानने का शौक नहीं है, आप प्लीज हामिद को बुला दीजिए। पहले आप मुझे ये बताएं कि आप चाय पियेंगे, कॉफी पियेंगे या फिर कुछ और? कुछ और क्या मतलब? आप तो वाकई में बहुत भोले। चले आए हामिद ऊपर है, मिल लें, लेकिन आप कॉफी पी के जाएंगे। प्लीज आप मुझे हामिद से मिलवा दें। आ जाए। जीनू तुम्हारे स्टेप फादर आए तुम्हें ले जाने के लिए। जी कोई अहमर साहब आए, कह रहे मुझे अपनी बेटी से मिलना है। क्या बेटी? शायद वो तुम्हें मना कर ले जाने के लिए आए, ताकि तुम्हारी शादी करके अपना ब्याह आसानी से रचा सके। मुझे किसी से नहीं मिलना, उनसे जाके कह दीजिए कि मैं उनसे नहीं मिलना चाहती और ना ही उनके साथ जाना चाहती हूँ। मैं अपनी बेटी को कभी भी नहीं जाने दूंगी, लेकिन अगर तुम उन्हें खुद मना करोगी तो ज्यादा अच्छा है। मैं उनके सामने नहीं जाना चाहती। जब तक सामने नहीं जाओगी और उन्हें खुद इनकार नहीं करोगी तो उन्हें कैसे पता चलेगा कि तुम उनके साथ रहना ही नहीं चाहती, नफरत करती हो उनसे, उनके साथ नहीं रहना चाहती। हिम्मत करो एक बार और उनके सामने जाकर उनकी खुदगर्जी और लालच को बेनकाब कर दो। शाबाश। मगर हिम्मत करो और साबित कर दो कि तुम एक बहादुर लड़की हो जो अपने दोस्त और दुश्मन की पहचान खूब रखती है। तो ठीक है, फिर आप भी मेरे साथ चलेंगी। अब नहीं, तुम जाओ, मैं कॉफी लेके आती हूँ। क्यों आए हो यहां? तुम अच्छी तरह जानते हो मैं सबा को छोड़ चुका हूं, तो वो क्यों मेरे और मेरी बेटी के पीछे पड़ी है? क्यों भेजा है उसने तुम्हें यहां? हामिद, मुझे सबा ने नहीं भेजा, मैं खुद आया हूं तुमसे सौदा करने। कैसा सौदा? वही सौदा जो तुमने एक बार मुझसे तय किया, बात नहीं बनी तो जर खान से डील कर ली। देखो हामिद, जीनू का रिश्ता तय है, शादी की तारीख भी तय हो चुकी, तुम उसे समझाओ, बल्कि बाप बन के उसे रुख्सत भी करो, फर्ज है तुम्हारा। तुम्हें मुझे इखलाकियात पर लेक्चर देने की कोई जरूरत नहीं और ना ही मुझे अपना फर्ज समझाने की। वैसे तुम किसी सौदे की बात कर रहे थे। समझ गया, यानी इस बार भी तुम बेटी के नाम पे सौदेबाजी करना चाहते हो। ठीक, मैं तुम्हें 25 लाख देता हूं, तुम जीनिया को सबा के पास जाने पे मजबूर करो ताकि वो इज्जत से रुखसत हो सके। 25 लाख, इससे तो पुरानी गाड़ी भी नहीं आती।
30 लाख ले। इतने अमीर आदमी के मुंह से लाखों की डील कुछ अच्छी नहीं लगती। मैं तुम्हें 1 करोड़ रुपए देने के लिए तैयार हूं। तुम जीनू को मेरे साथ भेज दो। बस कर दें। आप अपनी दौलत से मामा को तो खरीद सकते हैं मगर मुझे नहीं। देखो जीनू, मैं ना तुम्हें खरीदना चाहता हूं ना मैं तुम्हारी कीमत लगा सकता हूं। मैं तो हामिद को बस अपनी सफाई पेश करने की आपको जरूरत नहीं है। मैं जानती हूं कि आप पापा को पैसों का लालच देकर मुझे यहां से लेकर जाना चाहते हैं। मैं अंबर आंटी को पहले ही बता चुकी हूं कि मैं मरियम आंटी की बेटी से शादी नहीं करूंगी। सीनू, बाबर बहुत अच्छा इंसान है। तुम एक बार बाबर से मिलो, उसके बाद फैसला करना। तुम्हारी तो शादी की तारीख भी तय हो चुकी है, इसलिए कि तुमने खुद ही रिश्ते की हां निभाई थी। वो घर छोड़ते हुए मैं वहां के सारे रिश्ते भी खत्म कर चुकी हूँ। मेरा अब किसी से कोई ताल्लुक नहीं है। मगर जीनू, अमर, शायद तुमने जीनू का फैसला सुन लिया है। जाओ बेटा, जाओ अपने कमरे में जाओ। और हाँ, फिक्र करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। तुम्हारी मर्जी के बगैर कोई फैसला नहीं किया जाएगा। जाओ, शाबाश। पापा, इन्हें यह भी बता दीजिएगा कि आइंदा हमारे घर आने की इन्हें कोई जरूरत नहीं है। इश्क ने तुम्हें वाकई निकम्मा बना दिया है अमर मियां, कि तुम यहां भागे भागे चले आए। अब जाओ, जाओ अपने घर, फोन पर बात करेंगे। और हां, ये 1 करोड़ से काम नहीं चलेगा भाई। अपना ऑफर कुछ मुनासिब करो तो बात बन सकती है। मैं वादा करता हूं कि जीनू को मैं खुद तुम्हारे पास लाऊंगा और निकाह के दौरान एक बाप की हैसियत से मौजूद रहूंगा। ठीक है हामिद, मैं तुम्हें फोन करता हूं। ओके। अरे आप कहाँ जा रहे हैं? मैं तो आपके लिए कॉफी बना के लेके आई थी। थैंक यू, मैं चलता हूँ। सुने तो लगता है मुलाकात मायूसी पर ही खत्म हो गई। जिस शख्स को बेटी का मुस्तकबिल और उसकी इज्जत प्यारी नहीं, सिर्फ पैसा अजीज है, उससे मिलकर किसी को क्या खुशी हो सकती है? ये तो है, आपकी तरह मैं भी धोखा खा चुकी हूँ अमर। मेरे पास सिवाय मायूसी के कुछ भी नहीं रहा है। मगर आप तो मुझे बहुत खुश और मुतमईन नजर आती हैं। बस कुछ फितरत ही ऐसी है जख्म खाकर मुस्कुराने की। आप पहचिए ना, कॉफी पिए बगैर मैं आपको जाने नहीं दूंगी। नहीं, थैंक यू, मुझे जाना है। जाने क्यों? आपको देख के ख्याल आया कि कोई तो ऐसा है जिसके साथ मैं अपने दुख शेयर कर सकती हूँ। अब मेरे पास इतना हौसला नहीं रहा कि मैं दूसरों के दुखों का बोझ उठा सकूं। मेरे पास अपने दुख ही काफी है। तो फिर आप अपने दुख कह दीजिए। देखिए खातून, ताहिरा, ताहिरा नाम है मेरा। अगर आप मुझे ताहिरा कहकर पुकारेंगे तो मुझे बहुत खुशी होगी। खुदा हाफिज। तो शादी नहीं, वो एक डील, बुड्ढे आशिक के इश्क की डील, जिसका एक किरदार मेरी माँ भी है।
इसलिए वो शादी तो होगी और जरूर होगी। लेकिन यार उस थप्पड़ की जलन मेरी स्वागरात गारत कर देगी मुझे लगता है। मौला रे कैसा इम्तिहान है, मौला रे कैसा इम्तिहान है। जाहिल इंसान, बदतमीज, तुम्हें नजर नहीं आता? ए शट अप, यू शट अप। उसे में तो बहुत हसीन लगती है। यहाँ जलन हो रही है, यहाँ इस मुल्क में वापस आकर अगर मुझे कुछ लगा है ना तो उस लड़की का तमाचा। अगर जलन यहाँ नहीं, यहाँ हो रही है। यहाँ लड़की थी या कोई भड़कता हुआ शोला? शोलों में आग डालेगा तो जलेगा ही। देख बाबर, अब तो सुधर जा तू। अब तो तेरी मॉम ने तेरी शादी भी तय कर दी है। शादी नहीं, वो एक डील, बुड्ढे आशिक के इश्क की डील, जिसका एक किरदार मेरी माँ भी है। इसलिए वो शादी तो होगी और जरूर होगी। लेकिन यार उस थप्पड़ की जलन मेरी स्वागरात गारत कर देगी मुझे लगता है। लगता है तेरी इसका मतलब है खूब ठुकाई हुई है। अच्छा एक बात बता, अगर वो लड़की तुझे दोबारा मिल गई तो फिर अपने घर के दरवाजे खुले रखना। देख बाबर, मैंने तुझे घर की चाबी इसलिए नहीं दी कि तू कोई उल्टी सीधी हरकत करे। तूने कोई उल्टी सीधी हरकत कर दी ना तो तेरे साथ साथ मैं भी मुसीबत में फंस जाऊंगा। देख भाई, तेरा तो बाप है नहीं, और अगर मेरे बाप को पता चल गया ना, हिटलर है वो कसम से, जान से मार देगा मुझे। भूख लग रही है यार, खाना नहीं खिलाया? खाना, हाँ खाना ऑर्डर करता हूँ, खाना ऑर्डर करता हूँ। क्या खाएगा? देख लेना, बस अभी अभी कॉल करेगा। बिल्कुल सच्चा आशिक साबित हुआ है सबा का। पागल तो नहीं हो गयो? 2 करोड़ पे मान गए? तुमने जारा की बार पे यही बेवकूफी की थी। जान छुड़ा, उस लड़की का कोई भरोसा नहीं। अल्लाह जाने माँ की याद कब उसे सताए और यहाँ से भाग जाए। पापा, अरे पापा मैं नहीं जाऊंगी, मैं नहीं जाऊंगी पापा। बेटा तुम्हारे सामने तो जलील करके भगाया था, तुम क्यों परेशान हो रही हो? पापा अहमर अंकल इतनी जल्दी हार मानने वाले नहीं है, वो कोई और रास्ता निकाल लेंगे, मैं जानती हूँ। ऐसे कैसे? मैं अपनी बेटी को जबरदस्ती किसी को ले जाने नहीं दूंगी। अपनी जान पे खेल जाऊंगी लेकिन अपनी बेटी को सबा और अहमर की मोहब्बत की भेंट नहीं चढ़ने दूंगी। अब तो यकीन आ गया, अब रिलैक्स हो जाओ। अरे अभी तो हमारी बेटी पढ़ रही है, शादी की किसको जल्दी है। जाओ, शाबाश बेटा, जाओ अपने कमरे में रिलैक्स हो जाओ, जाओ जाओ पढ़ाई पर कॉन्सेंट्रेट करो। देख लिया, अभी भी मौका है। मगर हमें 2 करोड़ से क्या होगा, उससे कहो कुछ पैसे पढ़ाए। बल्कि मैं उससे खुद बात करती हूँ। तुम? हाँ, तो बहुत ही सीधे हो। मैं खुद ही बात करती हूँ उससे। ठीक है, बात कर लो, फायदे की बात है तो क्यों नहीं। सच सच बताओ अहमर, हामिद ने कितने में सौदा किया? सबा, इस बार झूठ मत बोलना मुझसे। मैंने तुमसे कभी झूठ नहीं बोला। बेटियों का घर आबाद करने के लिए झूठ बोलना कोई गुनाह नहीं। सौदेबाजी करके पैसे लेकर बेटियों के घर नहीं बसा करते। मैं मरियम से साफ साफ कह दूंगी, फिर उसकी मर्जी, वो रिश्ता करे या ना करे। प्लीज, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी। बाबर बहुत अच्छा लड़का है, ऐसे रिश्ते बार बार नहीं मिलते आजकल। तुम नहीं जानते अहमद, हामिद पैसे लेकर सीनिया को धक्के मार के घर से बाहर निकाल देगा या फिर हाथ पकड़ के यहाँ छोड़ के चला जाएगा। और ऐसी शादी का क्या फायदा जिसमें सीनिया की मर्जी शामिल ना हो? तुम जानती हो सीनिया को बाबर से शादी पर इतराज कभी नहीं था। उसके दिमाग में ये बात बिठा दी गई है
कि मैंने मरियम को रास्ते से हटाने के लिए तुमसे जबरदस्ती मरियम को जीनिया का रिश्ता दिलवाया है। हाँ तो ये गलतफहमी कम है क्या? खुद सोचो, जब ये गलतफहमी लेकर जीनिया अपने ससुराल जाएगी तो अपने आप को कैसे एडजस्ट करेगी वहां? सबा, शौहर का खुलूस उसके दिल से आहिस्ता आहिस्ता ये गलतफहमी दूर कर देगा। ये चेक छोड़े जा रहा हूं, मेरी बेटी की शादी में कोई कसर नहीं रहनी चाहिए, प्लीज। बाबर। Hey mom. Hey mom, how are you? कहां से आ रहे हो तुम बाबर? और ये क्या हालत बना रखी है अपनी? क्या मॉम, हर वक्त सवाल जवाब करती रहती हूँ। I'm an adult now. मेरे काम नहीं होता ऐसे। सुनो, तुम्हें देखा तो नहीं किसी ने अड़ोस पड़ोस या किसी मुलाजिम ने? मुलाजिम? हाँ, मुलाजिम से याद आया, वो क्या नाम है उसका, वो प्यारी सी क्यूट सी, वो बबलू, बबलू बबलू कहाँ है? उसको बोले मेरा सिर दबाए। बहुत दिनों बाद मिली है, ज्यादा पी लिया। बकवास बंद करो, घर की मुलाजमाएं तुम जैसे लोगों का सर दबाने के लिए नहीं होती, उनकी भी कोई इज्जत होती है। फौरन जाओ अपने कमरे में और खबरदार जो तुम कमरे से बाहर निकले। या, ओके। और ये क्या है? क्या ये पर्सनल होती है कुछ चीजें? इंटरफेयर ना किया करें मेरी चीजों में। नेवर टच माय थिंग्स अगेन। जॉब हो गया, आ गया मैं वापस। जी बकवास। क्या हो रहा है इसका? अगर हैमर को इसकी भनक भी पड़ गई तो इसका बना बनाया फ्यूचर।